Assalam alaikum class 7, how are you? I hope all of you are fine and enjoying the quran. Let's start the study. Open your book. Today we are going to read the topic transpiration. Transpiration is a process by which a plant loses water from its leaves into a surrounding air. अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से प्लांट कौन से होते हैं अपने लीव्स में से वाटर को सराउंडिंग में एक्सक्रीट करते हैं या वाटर को सराउंडिंग में लूज़ कर देते हैं. कहाँ से? किसके ज़रिए से? लीव्स के ज़रिए से. द वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम सेल्स इनसाइड द लीव. अब वाटर क्या होता है कि एवेपोरेट होता है सेल में से लीव्स के अंदर. लीव्स के अंदर सेल में वाटर क्या होता है? एवेपोरेट होता है. वाटर वेपर्स देन पासिस आउट ऑफ द लीव मेनली थ्रू द टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. अब जो वाटर हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो क्या होते हैं कि पासिस आउट हो जाते हैं लीव में से. किसके ज़रिए? छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उन होल्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. और उनके ज़रिए से वो पास आउट हो जाते हैं या एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं या लीव को लीव कर देते हैं. स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव. अब जो स्टोमेटा हैं वो लीव के लोअर साइड पर होते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसपायरेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से प्लांट कौन सा होता है वाटर को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. अब ये वाटर कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है? वाटर एक्सक्रीट आउट होता है लीव के ज़रिए से. लीफ की लोअर साइड पर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. अब उन होल्स में से जो वाटर है वो पास आउट हो जाता है कहाँ पर? एयर में, हमारी सराउंडिंग में. ठीक है, अब ये देखिए सबको नज़र आ रहा होगा, ये सारे स्टोमेटास हैं, ये 1, 2, 3, 4 जो नज़र आ रही हैं. और ये किससे प्रोटेक्ट हुए हुए हैं? कर्व्ड गार्ड सेल्स से. ठीक है, ये इनके जो गार्ड सेल्स से ये प्रोटेक्ट हुए हुए हैं. और ये जो ओपनिंग है छोटी सी एक जो उनसी होती है उसको हम स्टोमा कहते हैं. और इसके प्लूरल क्या होता है? स्टोमेटा होता है. मैंने प्लांट हैज प्लेंटी ऑफ वाटर द प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल राइजेस एंड द स्टोमा विल ओपन. ओपन स्टोमेटा अलाउस मोर ट्रांसपायरेशन. जब प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल क्या होता है? वो बढ़ जाता है. जब पानी ज़्यादा होता है तो गार्ड सेल में प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है. जब प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है तो ये होल जोन से हम क्या होते हैं, स्टोमेटा कौन क्या होता है, वो ओपन हो जाते हैं. और इस तरह से यहाँ से पानी बाहर सराउंडिंग में पास आउट हो जाता है. ठीक है, अब ये देखें स्टोमा क्लोज कब होते हैं? हाउएवर व्हेन द गार्ड सेल लूज द वाटर द प्रेशर इनसाइड द फॉल्स एंड द स्टोमा विल क्लोज. पोस्ट स्टोमेटा स्लोज डाउन ट्रांसपायरेशन. ओके, जब गार्ड सेल क्या होता है कि पानी इसमें से स्ट्रीट आउट हो जाता है तो इनका अंदर जो प्रेशर है गार्ड सेल में वो कम हो जाता है. और वो क्या होता है कि स्ट्रेट हो जाते हैं. जब वो स्ट्रेट हो जाते हैं तो ये होल जोन से या स्टोमा जोन से वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है. और जब वो क्लोज हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होती है इस यहाँ पर कम हो जाती है. ठीक है, अब आप देखें कंट्रोलिंग ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ होती है. ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय द 2 सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल विच कंट्रोल द साइज ऑफ द होल. अब जो सा हर स्टोमा है आपने देखा है कि किससे हुआ हुआ है, गार्ड सेल्स के साथ सराउंड हुआ हुआ है. और ये इसी की शेप पर डिपेंड करता है कि जब ये फ्लैटेंड होता है, जब यहाँ इसके अंदर प्रेशर कम होता है तो ये क्लोज हो जाता है. और ये फ्लैट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है. जब स्ट्रेट हो जाता है तो होल क्या होता है? क्लोज हो जाता है. ठीक है, ये इसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि पौधे के अंदर कितनी ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस होगी. ठीक, अब हम देखते हैं व्हाट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन किस तरह से इफेक्ट होती है. द स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कैन बी इफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स. अब जो सी ट्रांसपायरेशन की स्पीड है वो नंबर ऑफ थिंग्स से इफेक्ट होती है. फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर है. सेकंड क्या है? वेंट है. थर्ड क्या है? ह्यूमिडिटी है. और फोर्थ क्या है? टाइम ऑफ द डे है. अब फर्स्ट देखिए, अब टेम्परेचर है. ऑन वार्म डेज मोर वाटर विल एवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव सेल सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप. अब जब गर्मियों के दिन होते हैं या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो मोर वाटर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होता है लीव सेल से एवेपोरेट होता है या एक्सक्रीट होता है. ठीक है, और इस तरह से ट्रांसपायरेशन की स्पीड क्या होती है? तेज़ होती है. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस होती है. नंबर टू क्या है? विंड.
On windy days, water vapors will be blown away as it comes out through the stomata, so transpiration will speed up. जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं तो जैसे ही वाटर वेपर स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आता है तो वो ब्लोन अवे हो जाता है, दूर उड़ के चला जाता है, और ये भी ट्रांसपायरेशन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, विंड्स भी क्या करती हैं, ट्रांसपायरेशन को स्पीड अप कर देती हैं. थर्ड क्या है, ह्यूमिडिटी. ऑन ड्राई डेज द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप. अब जब ड्राई डेज होते हैं, खुश्क दिन होते हैं, तब भी एयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं जो ट्रांसपायरेशन क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं या स्पीडी बना देते हैं. इसकी ह्यूमिडिटी की वजह से भी ट्रांसपायरेशन क्या होती है, स्पीड अप हो जाती है. नंबर फोर क्या है, टाइम ऑफ डे. स्टोमेटा आर ओनली ओपन ज्यूरिंग द डे इन मोस्ट प्लांट्स, सो ट्रांसपायरेशन विल बी फास्टेस्ट देन. दिन के वक्त बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके दिन के वक्त ही स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, इसलिए ट्रांसपायरेशन भी दिन के टाइम ही ज़्यादा होता है. अब हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या चीज़ है. आपको फोर इफेक्ट्स पता चल गए स्पीड की, कौन कौन सी हैं, टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, टाइम ऑफ द डे. ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा. विंड डेज में जब हवाएँ ज़्यादा चलती हैं तब भी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी. ह्यूमिडिटी भी क्या करती है, ट्रांसपायरेशन को स्पीड अप कर देती है. इसके अलावा दिन के वक्त भी क्या होता है, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बास प्लांट्स ऐसे हैं जिनके दिन के वक्त ही स्टोमेटा ओपन होते हैं. अब हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. अब ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या होती है. एज अ प्लांट लूजेज वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, मोर वाटर इज पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब्स टू रिप्लेस इट. Just as a drink is pulled up a drinking straw when you take a sip. जैसे कि आप जानते हैं कि सब वाटर जो सा है, प्लांट जो सा है, वाटर को एक्सक्रीट करते हैं किसके ज़रिए से, ट्रांसपायरेशन के अंदर के ज़रिए से. मोर वाटर इज पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब्स टू रिप्लेस इट. अब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होता है कि जाइलम के अंदर ऊपर चढ़ जाता है. बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे जब हम स्ट्रॉ के ज़रिए से एक सिप लेते हैं तो वो लिक्विड होता है, वो स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ जाता है ना, इसी तरह से जाइलम के अंदर भी पानी जो सा होता है, इस चीज़ को यानी कि वाटर के लॉस को कम करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए वो क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है. एट द सेम टाइम वाटर एंटर्स द जाइलम फ्रॉम द रूट्स. ठीक है, उसी वक्त क्या होता है कि रूट्स से वाटर एंटर हो जाता है किसके अंदर, जाइलम के अंदर. रूट्स आर कवर्ड इन द रूट हेयर्स विच आर टिन एक्सटेंशन ऑफ द आउटर साइड ऑफ द रूट्स. अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स सारे के सारे छोटे छोटे रूट हेयर से भरी होती है, यानी कि इसके ऊपर इस तरह के ये नज़र आ रहे होंगे आपको, छोटे छोटे से यहाँ पर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, बाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट्स के ऊपर. आप समझ लें टिन एक्सटेंशन ऑफ आउटर सेल्स ऑफ द रूट्स है, जिसका काम क्या होता है कि वो सॉइल में से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं. ठीक है, और सरफेस एरिया क्या करते हैं, रूट का इंक्रीज़ करते हैं. ठीक, अब आप ये डायग्राम देखें, सब अच्छे को नज़र आ रही होगी. ये रूट है, ठीक है, ये रूट से ये स्टेम जा रहा है पूरा, ये स्टेम यहाँ तक आके ये क्या चीज़ बन जाती है, ये लीफ बन जाती है. ठीक है, ये इंटरनल सेक्शन है जी. तो बच्चों ये रूट है, ठीक, ये रूट से ये स्टेम आ गया, ये वाला पोर्शन, और ये पूरा ये वेन है किसकी, ये लीफ की वेन है, और ये सारा का सारा ये क्या आ गया है, ये लीफ है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है. तो वाटर एंटर्स रूट हेयर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल. अब सॉइल पार्टिकल में से वाटर जो सा है रूट हेयर में एंटर्स होते हैं, रूट हेयर से वो रूट में होता हुआ, ये देखें ये सेल्स हैं, साथ साथ वाटर मूव्स फ्रॉम द सेल्स टू सेल बाय ऑस्मोसिस. अब ये रूट्स के सेल में से एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, ये थ्रू ऑस्मोसिस के ज़रिए से पहुंचता है, और इसी तरह से ये कहाँ आ गया, ये स्टेम में आ गया. ठीक है, ये क्या चीज़ है इसकी, ये जाइलम है. ठीक, वाटर इज़ पुशेस इन टू एंड अप द जाइलम ट्यूब्स बाय प्रेशर. अब यहाँ पर ये जाइलम में ये वाटर पुश हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, ऊपर आकर अब यहाँ पे ये पुल्ड अप हो गया है जाइलम ट्यूब्स में. ठीक है ना, ये सारे के सारे किस में आ गया, पुल्ड अप होके जाइलम ट्यूब में आ गया है.
अब आप ये देखिए, जब ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से होता हुआ ये लीफ वेन में आ गया, और ये कहाँ पर आ गया है, लीफ के अंदर आ गया। ये देखिए अपर स्किन ऑफ ये लीफ है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये लीफ के सेल हैं। सेल में से वाटर वेपोरेट होगा, ठीक है, वेपोरेट हो जाएगी, और ये वेपर्स जो बनेंगे, ये जो होल है जिसको हम स्टोमा कहते हैं, लीफ के जो लोअर साइड पर होते हैं वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, वाटर अवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सेल्स इनटू एयर स्पेस। ये जो ये साथ साथ वॉलिक्यूल्स के ये जो हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है, एयर स्पेस में ये वेपर्स एक्सक्रीट हुए हैं, फिर यहाँ से वाटर वेपर्स पासिस आउट ऑफ द लीफ थ्रू द ओपन स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा ओपन है, यहाँ से ये दोबारा से क्या होते हैं, ये बाहर हमारे एयर में आ जाते हैं। वाटर वेपर्स पासिस आउट ऑफ द लीफ थ्रू ओपन स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा में से वाटर वेपर्स क्या होते हैं, पासिस आउट हो जाते हैं। समझ आइए, इनको दोबारा देख लें। ये रूट है सारी, ये रूट हेयर्स के ज़रिए से पानी कौन सा है, इसके सॉइल पार्टिकल में से रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर ये बाय डिफ्यूजन प्रोसेस रूट्स में से होता हुआ ये स्टेम में आ जाता है। यहाँ पे पुश अप होके कहाँ गया, जाइलम में, जाइलम से ये ऊपर की तरफ पुश हुआ, पुश होने के बाद ये यहाँ लीव वेन में आ गया, लीव वेन से होता हुआ ये लीव में वाटर वेपर्स एक्सक्रीट होगा उसके स्पेस में, और फिर यहाँ से जो वेपर्स हैं, ये जो लीफ के अंदर स्टोमा है उसके ज़रिए से ये पास आउट हो जाएंगे बाहर। ठीक है, समझ आ गई आपको, इस तरह से ये ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस होती है। टर्न योर पेज। रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट सो द मोर वाटर कैन बी टेकन इन। रूट हेयर्स क्या करती हैं कि वो सरफेस एरिया रूट्स का इंक्रीज करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर लेके जाया जा सके। एंड दिस फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्रॉम रूट्स टू लीव इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। यानी कि अब ये वाटर का फ्लो जो कि रूट्स से जाइलम के ज़रिए होता हुआ लीव तक पहुँचता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, दिस फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्रॉम रूट्स, यानी कि रूट्स से जाइलम के ज़रिए से जो पानी लीव तक पहुंचता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये रीडिंग अच्छी तरह से याद करनी है और अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।